डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, इससे टेक्निकल कुछ नहीं हो सकता। इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन मेंस, यू कैन नॉट इग्नोर, यू कैन नॉट इग्नोर द चैप्टर ऑन डिग्री। दिस इज नॉट अ सिंपल डेफिनेशन, यू कैन से दिस इज एंटायर चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर इन एंटायर डिटेल, मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत टेक्निकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक कि दे कैन मेक एनी पेपर विदाउट एनी क्वेश्चन फ्रॉम डिग्री। मीन्स हर मेरे एक्सपेक्टेशन है, शायद ऐसा होगा, चेक कर लीजिए आप, डिग्री से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर वो आपसे पूछ लेंगे, वो आपसे मीनिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वो दे कैन गिव यू द लिस्ट ऑफ डिसीजंस कि वेदर दिस इज डिग्री और नॉट, क्या ये डिग्री है या ये ऑर्डर है ये बताइए, आपको इस तरीके से कुछ पूछ लेंगे। तो जहाँ जहाँ मैं आपसे कहूँ उसकी डेफिनेशन में कीप राइटिंग पी फॉर प्रीलिम्स, वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मेंस का मैं बताऊँगा ये आपको, जो मेंस से क्वेश्चन बताऊँगा खुश उसको आप लिख लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन मेंस का आने वाला है, ठीक है। बढ़िया, क्या है डिग्री? मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। नाउ सी, अब हम लोगों ने इन सभी बातों को ढंग से एक एक चीज को समझने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सरसरी नज़र में, पहले मैं मीनिंग आपको एक जनरल मीनिंग समझा देता हूँ, फिर इसका टेक्निकल मीनिंग समझना कि कहाँ पे हर एक वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जैसे मान लीजिए साहब, ये हमारे खुशबू मैडम है, खुशबू फाइल्ड ए केस अगेंस्ट मी, खुशबू ने मेरे खिलाफ एक केस किया एंड नाउ दैट इज अबाउट डिफेमेशन, कि मैंने खुशबू की डिफेमेशन की है एंड शी वॉन द केस, ए केस जीत भी जाती है, यू गॉट इट। तो कैसे 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 केस बढ़ेगा आगे को? फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल हैव टू फाइल ए कंप्लेंट, सॉरी प्लेंट, ये प्लेंट फाइल करेंगी कोर्ट में, उसका फिर मैं जवाब दूंगा, दैट विल बी कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद में बोथ पार्टीज विल अपियर, इफ़ यू डोंट अपियर वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जब कोर्ट में अपियर होंगे देन कोर्ट विल आस्क वॉट यू हैव टू से, डू यू एडमिट द चार्जेस, डू यू एडमिट द एलिगेशंस मेड इन द प्लेंट, इन सभी पूछेंगे, मुझसे भी पूछेंगे क्या आपने बात कही थी, नहीं कही थी, है ना। जितनी भी खुशबू होती हैं वो सारी चोरनी क्यों होती हैं, क्या आपने ऐसे कहा था, है ना, ऐसे ही तो स्टेटमेंट आजकल है। तो ऐसे मुझसे पूछा जाएगा, एविडेंस देंगे एक दूसरे के खिलाफ, अपने अपने डिफेंसेस में एविडेंस देंगे, और बाद में कंक्लूजन क्या आपको होगा, जब हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी तब क्या होगा, देन देर विल बी जजमेंट, जजमेंट पास होगा, ठीक है, जजमेंट पास होगा। जजमेंट में यह बात आएगी, जजमेंट में क्या बात आएगी कि दिस वॉज द केस, खुशबू इज द प्लेंटिफ, उन्होंने अपनी प्लेंट में यह बात कही कि ऑन सच एंड सच डेट इन सच क्लास सर ने ऐसा कहा कि जितनी भी खुशबू नाम की लड़कियां होती हैं वही चोर क्यों निकलती हैं। तो इससे शी फेल्ट डिफेम्ड एंड देयर फोर शी फाइल्ड ए सूट फॉर द डिफेमेशन। इन रिप्लाई एंड सो मिस्टर विजयन वर्मा सेड दैट दिस वॉज हिज आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ही फेल्ड सो एंड दिस दैट एंड दिस वॉज ट्रूथ एज वेल, बट ही फेल्ड टू प्रूव द ट्रूथनेस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाई हिम, देयर फोर डिफेमेशन इज एस्टेब्लिश्ड। सो उसमें पूरे केस की स्टोरी आ गई, है ना, उसमें एविडेंसेस आ गए, इशूज आ गए। तो ये हुआ जजमेंट, और लास्ट में लिखेंगे एक फॉर्मली लिखेंगे, हैंस द केस इज डिक्रीड इन फेवर ऑफ खुशबू। लेकिन इतने से काम चल जाएगा खुशबू का क्या? खुशबू क्यों आई थी? खुशबू को अपने पूरे साल का खर्चा निकालना था, पैसे चाहिए थे, कंपनसेशन चाहिए था, वो तो आया नहीं अभी तक। उसके लिए जजमेंट के लास्ट वाले पार्ट पर, जजमेंट के बेस पर एक डिग्री फॉर्मुलेट होगी, जिसमें एक फॉर्मेट में लिखा जाएगा, सो मच एंड सो मच अमाउंट शैल बी गिवन टू खुशबू बाय द डिफेंडेंट विजेंद्र वर्मा ऑन सच ऑन और बिफोर सच एंड सच डेट, इफ ही फेल्स टू दिस मच दिस शैल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन दैट, वॉट एवर। तो जजमेंट हुआ और फिर आई
डिक्री है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। एक सेक्शन है थर्टी थ्री में, सेक्शन टू क्लॉज टू में जाने से पहले, डिक्री को पढ़ने से पहले इसको समझिए। आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ए डिक्री शैल फॉलो, दिस इज सेक्शन नंबर 33 सीपीसी। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि पहले जजमेंट आएगा एंड डिक्री विल बी फॉलोइंग द, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ए डिक्री शैल बी ड्रॉ, यू गॉट इट? अब डिक्री की इंपॉर्टेंस क्या है, वेदर एक कोई डिसीजन है। देखिए, जो सूट है मेरे और खुशबू के बीच में, हम लोग जजमेंट और डिक्री क्या समझ गए, लेकिन इस दौरान इस पूरे केस के उसमें देयर विल बी सो मैनी अदर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूँ ज्योति मैडम? डिसीजंस। मैं जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। तो व्हेन द कोर्ट गिव्स यू अ डिसीजन, है ना, या पास ए डिसीजन, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड डिक्री एंड अदर्स आर कॉल्ड ऑर्डर्स। डिक्री और ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड डिक्री एंड अदर इज कॉल्ड ऑर्डर्स। तो डिक्री का पार्ट कब आएगा? डिक्री आती है लास्ट में, जजमेंट पास कर दिया कोर्ट ने, जजमेंट के बेसिस पे एज पर सेक्शन 33 डिक्री विल बी ड्रॉन, डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट, है कि नहीं है? लेकिन बिटवीन दैट जर्नी देयर विल बी सो मैनी ऑर्डर्स, है कि नहीं है? आज कोर्ट ने ये ऑर्डर करा, आप कॉस्ट डालिए, आप जो है इस अननेसेसरी का एडजमेंट सीख कर रहे हैं, आप कॉस्ट दीजिए, आपने गलत तरीके से प्रेजेंट किया, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, आपने डिसिप्लिन किया, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती है। देयर मे बी सो मैनी ऑर्डर्स इन ड्यूरिंग दी दैट जर्नी ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली एडजुडिकेशंस ऑफ द कोर्ट आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज डिक्री एंड सेकेंड इज कॉल्ड द ऑर्डर्स। वाई इट इज़ सो डिफरेंस करना जरूरी क्यों है ये? क्योंकि हमें क्या करना होता है, देखिए खुशबू उनको क्या लगता है, खुशबू के फेवर में डिक्री अगर हो गई तो क्या मैं चुप बैठ जाऊँगा? अब वॉट विल आई डू? आई विल गो टू द अपील, आई विल फाइल अपील। सो वैन यू वॉन्ट टू डिसाइड वेदर ये जो डिसीजन है इट इज अपीलेबल और नॉट, कोई कोर्ट का डिसीजन किसी को, क्या हर कोर्ट के हर डिसीजन के विरुद्ध अपील में जा सकते हैं? टू डिटरमाइन दैट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिटरमाइन वेदर दिस कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ डिक्री और इट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ ऑर्डर। जब आप अपील करना चाहते हैं, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर कह लीजिए या मैं कहूंगा एडजुडिकेशन कहते हैं, डिसीजन कहते हैं, डिसीजन ऑफ द कोर्ट, एंड नाउ यतेंद्र यू वॉन्ट टू, मैं बहुत गुस्सा आ गया है, हाउ द कोर्ट कैन डिसाइड दिस इन माई अगेंस्ट मी, मैं तो अपील में जाऊंगा। वकील साहब कह रहे हैं भाई साहब अपील में नहीं जा सकते हैं आप। क्यों? मेरे खिलाफ तो ऐसा हो गया। नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके खिलाफ कोई डिक्री पास नहीं हुई है। अगर डिक्री पास हुई होती तो आप एज ए मैटर ऑफ राइट अपील में जा सकते थे, समझे? एवरी डिक्री इज अपीलेबल, और ये बात मिलेगी आपको लिखी हुई सेक्शन 96 में, ठीक। अब क्या करूं वकील साहब? तो आपके खिलाफ पास हुआ है ऑर्डर, एंड ऑर्डर में भी अपीलेबल एंड ऑर्डर में भी नॉन अपीलेबल। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट वेदर एनी एडजुडिकेशन कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिक्री और इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑर्डर और नॉट। यू गॉट इट मंजू? सो डिक्री को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी, बात समझ में आई आपको? क्योंकि डिक्री से नट शेल में कहूं तो आपका राइट टू फाइल द अपील जुड़ा हुआ है। इफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ डिक्री, यू गेट द राइट टू फाइल अपील इन दैट केस। इफ इट इज नॉट द डिक्री, इफ इट इज नॉट द डिक्री, इफ इट इज ओनली सिंपली ऑर्डर, देन यू विल हैव टू सी द लिस्ट वेदर आई कैन फाइल अगेंस्ट, आई कैन फाइल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर और नॉट, बिकॉज एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, एवरी डिक्री इज अपीलेबल। प्रत्येक डिक्री की अपील हो सकती है परंतु प्रत्येक आदेश की अपील नहीं हो सकती, केवल कुछ एक लिस्ट है, हमने सेक्शन 104 और ऑर्डर 43,
ऑर्डर 43 रूल 1 में एक लिस्ट दी गई है, उसमें लिखा गया है कौन कौन से ऑर्डर्स की अपील हो सकती है, कौन कौन से ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती है। तो अगर आप किसी ऑर्डर के विरुद्ध अपील में जाना चाहते हैं तो आपको उस लिस्ट में आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली है देन यू कैन फाइल द अपील, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइल द अपील। प्लीज रेज हैंड, प्लीज लेट मी नो आपको इतनी बात समझ में आई नहीं आई एवरी वन। सो अब आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री। अब डिग्री को पहचानेंगे कैसे उदित, कि वेदर दिस डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज डिग्री और नॉट, देन यू विल हैव टू सी द असेंशियल्स मेंशनड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। सेक्शन 2 क्लॉज 2 में जो डिग्री की डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे वेदर ए डिसीजन अमाउंट्स टू डिग्री और नॉट। तो अब इसको हम लोग जितने मैंने राउंड किया था इसको एक एक शब्द को पढ़ेंगे ढंग से, एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको मेंस में पूछूंगा मैं आपसे, जब भी सीपीसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर मेंस। कम ऑन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिग्री इन डिटेल, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिग्री इन डिटेल मीन्स आपको डिग्री का मीनिंग समझाना होगा डिटेल में। इट मीन्स कि आपको डेफिनेशन देनी होगी और फिर देने पड़ेंगे असेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट आर द असेंशियल एलिमेंट्स, और उसी को हम लोगों ने वन बाय वन समझना है अच्छे तरीके से। चलिए पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके, दोबारा पढ़ते हैं। डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। इसी लाइन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, और इसीलिए इसके जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें जो पहली बात आती है ये जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये जो लाइन है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। तो फर्स्ट जो असेंशियल है कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं कि भाई देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन यानी कि एक निर्णय होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है। एक वर्ड एक है फॉर्मल एक्सप्रेशन, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजुडिकेशन, देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन का मतलब होता है ए जुडिशियल डिटर्मिनेशन, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। समझे कि जुडिशरी के द्वारा, लॉ के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किसी मैटर को डिसाइड किया जाता है तब, और इस और कैसे किया जा रहा है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन। जुडिशियल डिटर्मिनेशन का मतलब है यथेन्द्र इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, इट मस्ट बी डिसाइडेड जुडिशली, इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन मैरिट्स, यू गॉट इट। तो इट मस्ट बी जुडिशियल डिटर्मिनेशन। अब इसका अपोजिट कर लीजिए कि अगर वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं हो, इफ देर इज नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन, अगर जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं होगा इट मीन्स दैट ऑर्डर विल नॉट अमाउंट टू डिक्री। तो ये आपके फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। केस का नाम है मदन नायक, आपके केस नोट्स में दिया गया होगा। तो एडजुडिकेशन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट बाय कोर्ट। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, केस का नाम था मोतीलाल पद्माबेन का केस है, ये नोट्स में दिया गया है आपको। जैसे डिसीजन ऑन ए मैटर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, ये समझिए, देखिए जैसे है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के मैटर पे डिसाइड करना। सपोज कीजिए महामहिम जुडिशियल ऑफिसर खुशबू जुडिशियल ऑफिसर है ना, बट शी डिसाइड्स ए कंप्लेंट अगेंस्ट हर ऑर्डरली, ये अपने चपरासी पियोन के खिलाफ एक कंप्लेंट है उसको डिसाइड कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कर रही हैं। इनका जो रीडर है वो चुपचाप पैसे लेता रहता है, उसकी उसकी कंप्लेंट को डिसाइड कर रही हैं। तो वहां पर शी इज डिसाइडिंग समथिंग, दो शी इज ए जुडिशियल ऑफिसर बट नॉट ऑन जुडिशियल साइड। हाई कोर्ट भी देखो, अब हाई कोर्ट डिसाइड्स फ्यू मैटर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स, हाई कोर्ट डिसाइड मैटर ऑन जुडिशियल साइड, ये पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो अगर कोई डिसीजन हाई कोर्ट का भी है लेकिन वो कहाँ पर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, किसी जुडिशियल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, दैट इज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के जो ऑर्डर्स हैं वो डिग्री की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और आपसे को क्यों समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहीं से आपका पहला प्रीलिम्स क्वेश्चन बनता है, यहीं से को दे देंगे, वो पूछेंगे वेदर दिस अमाउंट टू डिग्री और नॉट, यू गॉट इट। और जहाँ पर ऐसे मेंस आएंगे जहाँ 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो कहेंगे कि वेदर दिस अमाउंट टू डिग्री और नॉट, एक्सप्लेन इट वाई इट इज नॉट सो। तो आपको लिखना होगा कि दिस इज नॉट द जुडिशियल डिसीजन, दिस इज वॉट द एडमिनिस्ट्रेशन। पहला जो असेंशियल है एलिमेंट है डिग्री का, वो ही यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से आप ये देखो, एन ऑर्डर डिसमिसिंग ए सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, ये हो गया यहाँ पर। देखिए डिसमिसिंग ए सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे क्या देखो, डिसीजन बाय द कोर्ट भी है, सही है, लेकिन यहां पर जो है ये जो डिसीजन आ रहा है, दिस इज नॉट द जुडिशियल इन द सेंस, यहां पार्टीज को सुनकर के डिसीजन नहीं दिया जा रहा, या मेरिट्स पर डिसीजन नहीं आ रहा है, फॉर डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज आ रहा है। सुनीता मैडम समझ रही है, प्लेंटिव डिड नॉट अपियर, प्लेंटिव वॉज सपोज टू अपियर ऑन द डेट बट ही डिड नॉट अपियर एंड देयर फोर हिज सूट इज बींग डिसमिस्ड। तो दिस इज वॉट द डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपियरेंस का मतलब है कि वेन द प्लेंटिव वॉज सपोज टू अपियर इन द क्ला इन क्लास कह रहा हूँ इन द कोर्ट इन ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ हिज मैटर बट ही डिड नॉट अपियर देयर फॉर हिज सूट इज बिंग डिसमिस्ड। तो यहीं से क्वेश्चन आपसे प्रिलिम्स से पूछेंगे कि वेदर इट अमाउंट टू डिग्री और नॉट, डिसमिसल ऑफ द सूट, डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट अमाउंट टू ऑप्शन ए डिग्री, नॉट अमाउंट टू डिग्री दिस दैट, इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो राइट डाउन पी योर पी फॉर प्रिलिम्स हेयर, लिख लीजिए, रिवीजन करेंगे जब प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा तो आपको ध्यान आएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट समझ दीजिए, अब देखिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया, समझे, एक स्वयंवर का आयोजन किया गया और सब में योग्य व्यक्ति तुम ही हो उसमें, यू गॉट इट, डेट एंड टाइम इज फिक्स्ड बट यू डिड नॉट अपियर इन दैट स्वयंवर ऑन टाइम, सही है, जब तुम पहुंचे थोड़ा लेट, हाँपते हाँपते आ गया मैं, आ गया, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, कह रहे बात खत्म, वरमाला किसी के गले में डल चुकी है, स्वयंवर इज डिसमिस्ड। तो स्वयंवर का डिसमिसल क्यों हुआ तुम्हारे लिए, दैट सूट वॉर डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस, यू आर सपोज टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। तो अगर ऐसे सूट में आ जाते हैं हम ये, कि अगर आप यू आर द प्लेंटिफ और आपने ही सूट फाइल किया था और ऑन द फिक्स डेट यू योर सेल्फ इज एबसेंट, देन योर सूट मे बी डिसमिस्ड, आपके सूट पे बिना कोई सुनवाई करे ही कहेंगे कि ओ यतेंद्र इज एबसेंट, सूट इज बींग डिसमिस्ड। तो वो जो डिसमिसल ऑफ सूट है वो कहलाएगा डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस, यू गॉट इट, सही है। तो टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है, गॉट एनीथिंग, आया समझ में, चलें, वेरी गुड, ये हुआ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब तो नहीं भूलोगे जिंदगी में कभी, मजाल आज भूल जाओ, ऐसे ही है डिसमिसिंग ऑफ अपील फॉर वॉन्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेम पैरामीटर पर डिसमिसल ऑफ अपील हो गया। तो दीज कैन नॉट बी टर्म्ड एज डिग्री एज डज नॉट जुडिशली डील विद द मैटर इन डिस्प्यूट, यहां पर जो डिसमिसल हो रहा है सूट का वो जुडिशल नहीं हो रहा है, दैट इज समथिंग लाइक एज ए पेनल्टी, आप नहीं आ रहे तो आपका सूट डिसमिस हो रहा है। सो यहां से क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को, और मेंस में आपको प्रॉब्लम्स के रूप में ये मिलेंगे, आपको कहेंगे कि सब डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है, अब बताइए डिग्री है नहीं, और नहीं है तो क्यों है ये भी समझा दीजिए आप। तो दैट इज व्हाई आई सेड दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी टेक्निकल इन नेचर। फर्दर जुडिशियल डिटर्मिनेशन है दैट मस्ट बी बाय कोर्ट, इट मीन्स वॉट इफ एन ऑर्डर इज पास बाय द एन ऑफिसर नॉट द कोर्ट, समझे, एक ऐसा ऑफिसर हु इज नॉट ए कोर्ट दैट विल नॉट अमाउंट टू ए डिक्री, दीप चंद वर्सेस लाल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, समझिए क्या है, देखिए कि जो ऑर्डर पास किया जा रहा है दैट मस्ट बी बाय ए कोर्ट नॉट बाय एन ऑफिसर, इफ सम ऑफिसर पासिस एन ऑर्डर तो दैट कैन नॉट अमाउंट टू डिग्री, वो डिग्री के डेफिनेशन में नहीं आ सकता। तो एक ही वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं एडजुडिकेशन, अभी उसी की टेक्निकलिटीज को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हाँ तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज याद करना पड़ेगा, तो अगर आपने एडजुडिकेशन को भूल के लिखना,
आपने उसकी जगह कुछ शब्द लिख दिया डिसीजन, जजमेंट, गई गाड़ी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, देखिए डेफिनेशन की, विच ये पढ़ लिया हम लोगों ने, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए इसको समझाता हूं मैं, कि ऐसा एडजुडिकेशन, ऐसा एडजुडिकेशन जो कि पक्षकार यानी कि पार्टीज ऑफ द जो मैटर हैं उनके अधिकारों को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है, यानी कि फाइनली डिसाइड करती है, यानी कि अंतिम रूप से डिसाइड कर सकती है, सो फार एज द कोर्ट रिगार्ड्स इट। देखिए इस लाइन को समझिए, इसको भी समझिए, सो फार एज द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुंजन मैडम है ना, गुंजन मैडम गई प्राइमरी स्कूल में, और कौन सी क्लास में है, फिफ्थ क्लास में है, तो फॉर ए प्राइमरी स्कूल दैट फिफ्थ क्लास इज द लास्ट क्लास सो फार एज रिगार्ड दैट स्कूल, अंतिम क्लास है, लेकिन कौन सी, उस स्कूल की, गुंजन की एजुकेशन की लास्ट क्लास नहीं है वो, सो फार एज रिगार्ड दैट प्राइमरी स्कूल। देन शी शिफ्टेड टू द सेकेंडरी स्कूल, इन सेकेंडरी स्कूल ट्वेल्थ क्लास इज द फाइनल क्लास सो फार एज रिगार्ड द दैट सेकेंडरी स्कूल, इट इज नॉट फाइनल इन इट सेल्फ। समझ रहे हैं आप, ये कंक्लूसिवली डिटरमाइंस का मतलब यह है कि अंतिम रूप से डिटरमाइन तो कर दिया, लेकिन किस कोर्ट ने किया, जो कोर्ट उसको डिसाइड कर रही थी उसके लेवल पर कंक्लूसिव डिटरमाइन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मैटर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया, वो मैटर फाइनली डिसाइड नहीं हुआ अभी, है ना। डिफेमेशन का केस खुशी मैडम ने जीत लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और बाहर बंटवा रही हैं, भंगड़े चल रहे हैं बाहर, चल बंटवा रही हैं लड्डू कि मैं केस जीत गई, मैं केस जीत गई। तो मैडम क्यों इतना खुश हो रही हो, दिस केस हैज नॉट कम टू एन एंड, ये इस कोर्ट के लिए फाइनल डिसाइड हो गया है। अभी तो एक कोर्ट हाई कोर्ट जाएगा, अभी तो एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल करेगा तो हम कहेंगे नाउ इट इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ नाउ। इन दोनों का अंतर समझ रहे हो, कि इसके फ्रेज का मीनिंग क्या है, जो होती है सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट का मतलब है कि जो कोर्ट, जिस कोर्ट ने वो डिसीजन दिया है उसने अपने लेवल से फाइनली डिसाइड कर दिया है। प्लीज लेट मी नो, ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, चलिए तो ये बात समझ गए, सो फार एज द कोर्ट कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, इसका इस फ्रेज का मतलब समझ में आ गया। और हम लोगों ने पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, और यही हमारा नेक्स्ट असेंशियल एलिमेंट है, जो कि डिक्री क्या करती है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, किस में, इन द सूट। इसमें पढ़ेंगे आप, अगर इसके पढ़ेंगे आगे जा करके एक अगले में, राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट। ये जो वर्ड है सूट, इसको समझना है आपने अच्छे तरीके से। अब इस थर्ड आपका जो एलिमेंट है, इसीलिए वो है, सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन ए सूट। समझे, कि ये जो डिसीजन दिया गया है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है जिसको आप बोल रहे हैं एडजुडिकेशन, जो आपके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है, दैट मस्ट बी गिवन इन व्हाट, दैट मस्ट बी गिवन इन ए सूट। तो देखो, अगर आप लोगों से, जैसे आप लोगों ने, आप लोग जो जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हाईली आईक्यू वाले जो लोग हैं, है ना, जिनका बिलीफ है कि वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, वी विल मेंशन इट, अगर वो मेंशनिंग ऐसे आते हैं ना, 10 बार फेल वही होते हैं, डर डर के करोगे तैयारी की, कोई छूट ना जाए तो पास हो जाओगे, जैसे आपने सोचा हम कर लेंगे फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे वर्ड है सूट, यही भूल गए लिखना, और ये वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट था।
दैट एडजुडिकेशन मस्ट बी गिवन इन ए सूट। अब सूट का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। मींस जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट में, एवरी प्रोसीडिंग डज नॉट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ सूट। समझे आप? इट मीन्स एवरी डिसीजन इवन दो इट इज कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन बाय विल नॉट अमाउंट टू डिक्री। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ रहे हो बट उस सिविल प्रोसीडिंग, उन सिविल प्रोसीडिंग को आप सूट की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। दैट विल नॉट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ डिक्री। यही आपको सीखना है। और अगर आप डीजीएस में जरा भी इंक्लिनेशन है आपका तो आपको उतनी टेक्निकलिटीज के साथ में सीपीसी को पढ़ना पड़ेगा। देखिए सीपीसी हैज़ नॉट दैट मच रोल इन यूपी और अदर स्टेट्स। जैसे यूपी में मेंस में थर्ड पेपर का 1/4 एलिमेंट है, बस ये फिक्स है। मिनिमम 1 क्वेश्चन करना है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन करने हैं अपने वहाँ से। बट इन हरियाणा एंड इन दिल्ली वहाँ पर पेपर आता है सिविल लॉ, एंड इन दैट केस इतना बड़ा क्वेश्चन होगा आपको लगेगा पढ़ते पढ़ते ही टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन सही में वो फैक्ट्स होते हैं और जो लीगल पॉइंट होता है वो छोटा सा ही होता है, वो ऐसे निकलेगा पता चलो सूट पर ही आ गया, क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन उन्होंने फैक्ट्स इस तरीके से डिटरमाइन किए प्रैक्टिकल लेवल से। तो डीजेएस का जो पेपर है उसको निकालना भी बहुत आसान है और निकालना टफ भी बहुत है। वहाँ पर साइकोलॉजिकल एक गेम है कि पेपर ही जो क्वेश्चन है वही फुल पेपर का क्वेश्चन है। वो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते देखते डर गया कि क्या पूछ लिया सीपीसी में। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इस तरीके की टेक्निकलिटी से कर ली है और ढंग से एक बार को फैक्ट समझ करके, वो तो फैक्ट्स ही हैं अधिकतर, तो वो अरे उसमें तो एक ही लीगल पॉइंट इन्वॉल्व था, फिर कुछ रह नहीं जाता, फिर आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग रह जाती है। तो वहाँ पर एक स्पेशल आर्ट चाहिए। तो डीजीएस करना आसान है वहाँ पर, बल्कि यूपी से भी आसान है इन रेफरेंस कि वहाँ पर जीएस वेस का इतना झगड़ा नहीं है इसमें इतना। तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप जागते रहेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि द डिसीजन दैट एडजुडिकेशन मस्ट बी गिवन इन ए सूट। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सूट? इफ यू गो थ्रू द कोड सीपीसी देन यू विल नॉट फाइंड कि ये जो वर्ड है सूट, इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। फॉर अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वेयर द टर्म सूट इज डिफाइंड। सूट इज नॉट डिफाइंड इन द कोड, ये ध्यान रखना पी फॉर प्रीलिम्स। और इसको डिसाइड किया गया था एक केस का नाम है हंसराज गुप्ता केस, राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स। द मीनिंग ऑफ द सूट वॉज डिफाइंड इन दिस केस एंड द नेम ऑफ द केस इज वॉट, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रेमवे कंपनी लिमिटेड, राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स। और राइट डाउन ए ट्रिक एज वेल, ट्रिक भी लिख लीजिए, मेन से बहुत काम आएगी, प्लिम्स से बहुत काम आएगी, कि इस तरीके के जितने भी केस लॉज आपके इसमें आते रहते हैं इनको आप कैसे याद करेंगे? सो दैस कैसे याद करोगी? केवल नाम, अगर प्लिम्स केवल प्लिम्स क्वालिफाई करके ट्रैक्टर का इंजाम करना है लड़कों को तो केवल याद करो, दहेज का काम इंजाम हो जाता है कि प्लेम्स में लड़का जज बन जाएगा, बड़ा सा दहेज का इंजाम हो गया, हंसराज याद कर लो बस। अगर करना है क्वालिफाई मेंस तो मेंस में आपको आधे नाम से काम चल जाएगा, फुल नेम लिखना पड़ेगा, हाँ है कि नहीं है? तो फुल नेम लिखना है तो बेटर है हम पहले से पूरा नाम याद कर लें, एक बार में पहले हंसराज याद किया बाद में फिर पूरा नाम याद करने बैठेंगे। तो जो डिक्री के जो केस लॉज हैं, टॉपिक के केस लॉज हैं, उनको आपने एक पॉकेट डायरी बनाइए स्पायरल टाइप, ठीक, उसमें लिखे टॉपिक डिक्री और केसेस के न्याय, और इनको घुटम घुटाई इनका ताउम्र, ताउम्र का मतलब जब तक जज न बन जाओ तब तक उसको जेब से बाहर ही निकलने चाहिए, समझे? जैसे कुछ लोगों के उसमें सिगरेट का पैकेट रहेगा, खैनी रहेगी, वो निकलेंगे नहीं उसके बिना। उसी तरीके से जो जज बनने वाले लोग हैं उनके पास अपना सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि पकड़े गए क्या तो वो स्पायरल रखिए। क्यों? मेंस में आपको कहाँ दिक्कत आएगी? मेंस में आपको डिग्री का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होगा। आप क्या बोलेंगे, केस था, कौन सा केस था, हंसु हंसराज क्या केस था, ऐसे ध्यान रह जाएगा बस आपको, बस केवल आपको पूरा केस याद नहीं आएगा। जितेंद्र लिख कर आएगा पूरा केस का नाम एग्जैक्टली विद कोमास, और तुम लिख के आओगे हल्का फुल्का नाम, तो इसको एक नंबर फालतू मिल जाएगा बस।
हर क्वेश्चन में ये एक नंबर भी ज्यादा लेता चला गया तो एग्रीगेट में ये आपसे कम से कम 50 मार्क्स ज्यादा ले जाएगा केवल इसी तरीके से। बस सिंपल सी एक ट्रिक बताई मैंने आप लोगों को, कुछ नहीं है करना है। आपने केस लॉस की लिस्ट अलग से बना लीजिए, अपने पास पॉकेट में रखिए और जब मौका मिला एक मिनट देख लिया उसको बस। तुम ऐसे समझ लो जैसे यते जैसे बाकी फोटो तुम देखते रहते हो, जब मन करा देख लिया, ऐसे ही वो एक फोटो है उसको भी देख लिया, इस फोटो में कितने केस लॉस के नाम लिखे हैं बस। इस केस की याद आ रही थी हंसराज, इस केस को मिस कर रहा था ये पुष्पराज, ऐसे पूरा नाम याद कर लिया। सही है, तो लिंक कर लो, किसी और बात को मिस करो तब केस लॉस को भी मिस करना शुरू कर दो बस तुरंत, फिर देखो तुम मिसिंग मिसिंग खेलते ही तुम्हारी कहाँ से कहाँ पहुँचती है नॉलेज। सो यहाँ पर सूट का मीनिंग क्या समझाया गया, किसने डिसाइड किया है यहाँ पर इसको, अभय बाबू प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया। राइट डाउन पी फॉर क्लेम्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दे हैव डिफाइंड द टर्म सूट, कैसे क्या है इनके हिसाब से, सूट मीन्स वॉट, सूट मीन्स इज ए सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, तो दे हैव लिंक द वर्ड सूट विद द प्लेंट, गॉट इट। सूट इज ए सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, यानी कि सभी ऐसी सिविल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट होती हैं विद द प्लेंट, इफ यू आर फाइलिंग ए प्लेंट इट मीन्स यू आर इंस्टीट्यूटिंग ए सूट। सेक्शन नंबर 26 पे भी जाकर पढ़ेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, प्लेंट के द्वारा सूट इंस्टीट्यूट होता है। मीन्स अगर कोर्ट ने डिसाइड किया कोई मैटर एक्स वाई जेड and now you are aggrieved of that decision, I am saying decision, now you want to file an appeal, if you want to file an appeal then you will see whether it is decree or not, whether it is appealable order or not. If you want to decide that whether this is decree or not, then you will have to decide ki what was the nature of the civil proceeding, वो जो सिविल प्रोसीडिंग है वेदर दैट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ सूट और नॉट, वो सूट की कैटेगरी में आती है नहीं आती है, या वो सूट की कैटेगरी में नहीं आती है, और सूट की कैटेगरी में डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वेदर इट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय प्लेंट और नॉट, एंड इफ यू कम टू नो दिस वॉज इंस्टीट्यूटेड थ्रू ए प्लेंट देन यू कैन से नो दिस इज सूट, सो प्लेंट से स्टार्ट होनी चाहिए सूट। Got it? Please raise hand, let me know. समझ में नहीं आया, come on everyone. Technical point था। अब इसी में समझिए, देखिए इसी को थोड़ा सा और समझिए क्योंकि next question prelims का हिस्सा आता है। There is a word, इसको पढ़ लीजिए पहले। Rejection of an application. The word is what? Application for leave to sue in forma pauperis. Forma pauperis को हम बोलते हैं, indigent भी बोलते हैं। ठीक, ऑर्डर नंबर 33 देखिए क्या होता है, अब इसको समझिए। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का आता है, टेक्निकल क्वेश्चन है और मेंस में आपको लिखना पड़ सकता है इसमें क्या है। फॉर्मा पॉपरिस का मतलब समझ लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए एक लड़की है उसका नाम है खुशबू, करोड़ दो करोड़ बस अकाउंट में पड़े हुए हैं और कोर्ट से चाहती है कि वो गरीब गरुआ की तरीके से अपने केस को फाइल करे, यानी कि गरीब इंसान की तरह से कोर्ट में उसको परमिशन दी जाए। क्या मैटर है, उसकी प्रॉपर्टी का क्लेम क्या कर रही है, शी इज क्लेमिंग दैट लाल किला बिलोंग्स टू हर, जो प्रॉपर्टी है लाल किला है वो उसका है। अब लाल किले के पजेशन के लिए उसको जो सूट फाइल करना पड़ेगा उसकी जो कोर्ट फी है वो करोड़ों में है, means though she has some amount crore 1 crore 2 crore rupees but she is not able to file the court fees, uske liye chahiye 500 crore rupaya, iske paas kitne hain 2 crore rupaye bas, to us suit ke purpose se ye garibi kehlayegi, kyun ki she is not able to file the court fees in that case, you got it। pehle samjhe form of papers ka matlab garib garwa se nahi hai, wo link kiya jata hai kisse, वेदर यू हैव द मीन्स टू फाइल द कोर्ट फीस और नॉट, नाउ शी इज नॉट, तो शी विल फाइल एन एप्लीकेशन टू लीव, यानी कि उसको परमिट किया जाए टू सू एज फॉर्म ऑफ प्रेस,
कि वो एक एज ए इंडिजेंट पर्सन उसको सूट फाइल करने की परमिशन दी जाए. सो नाउ शी हैज अप्रोच टू द कोर्ट थ्रू व्हाट? थ्रू एन एप्लीकेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. शी हैज अप्रोच टू द कोर्ट थ्रू एन एप्लीकेशन. व्हाट इज द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज फॉर लीव. लीव का मतलब छुट्टी से नहीं है, यहां पर परमिशन से है. परमिशन टू सू इन फॉर्मा पॉपरेस. तो शी हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन नॉट प्लेंट. यू गॉट इट? ये प्लेंट फाइल नहीं हुई है. यहां पे क्या फाइल किया सुदेश? इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है. एप्लीकेशन किस लिए फाइल की है? कि इनको इजाजत दी जाए. किस बात की इजाजत? टू सू एज फॉर्मर पॉपरेस मीन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन. एंड दैट एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज देयर इज नो प्लेंट इन दिस केस. अभी यहां प्लेंट, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद में प्लेंट बनेगी ये. अगर अभी तो लेवल इसका वो आया ही नहीं है तो इट इज नॉट कॉल्ड डिक्री. इट इज नॉट ए डिक्री. अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये डिक्री है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों नहीं है. देखो एक तो क्वेश्चन आया, बहुत मुश्किल आएगा सुनीता. इन विच सेक्शन डिक्री इज डिफाइंड? सेक्शन 2(1), 2(2), 2(3), 2(4) है कि नहीं? मुश्किल है? मुश्किल है ना करने वालों के लिए, या ना कुछ भी नहीं है. एक क्वेश्चन आते हैं सीपीसी में इस लेवल के, कि आइडेंटिफाई करना कि डिक्री की कैटेगरी में आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे. तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीपीसी आपको ईजीएस्ट सब्जेक्ट लगना चाहिए. जो मैंने आपको कहा इट मस्ट बी द ईजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, और ये हो जाएगा. शर्त ये कि ऐसे करेंगे आप लोग तो कर लेंगे आप लोग ये इस तरीके से. गुड. नाउ एक तो प्लेंट का आया, लेकिन सर्टेन एक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है. देर आर सर्टेन एक्ट्स जो कि आपके सामने स्क्रीन पर हैं. दीज एक्ट्स ट्रीट एप्लीकेशंस एज सूट्स इटसेल्फ. वो स्पेशली कुछ इनैक्टमेंट हैं, वो कहते हैं कि यू आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन, तो प्लेंट को वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एप्लीकेशन से. स्टेटस सेम. तो इफ यू आर फाइलिंग हिंदू मैरिज एक्ट में, इफ यू आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स, इफ यू आर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग कंजुगल राइट्स, है ना, इफ यू आर फाइलिंग फॉर डिक्लेयरिंग द मैरिज वॉइड, यू गॉट इट? तो दो दैट दैट सिविल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड थ्रू एन एप्लीकेशन, बट स्टिल दैट इज कंसिडर्ड टू बी सूट. और इनको हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी सूट्स बोलते हैं. यू गॉट इट? सो इन केस ऑफ सूट, या तो इट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड थ्रू प्लेंट, और इट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय सर्टेन स्टैच्यूट एज सूट दो इट इज इंस्टीट्यूटेड थ्रू एप्लीकेशन. नहीं आए समझे ज्योति? देखिए दो तरीके हैं. सूट का मतलब हुआ इधर इट शुड बी ए सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, या तो ये तो हुआ नंबर वन कैटेगरी. नंबर टू कैटेगरी है इट मस्ट बी ट्रीटेड एज ए सूट अंडर एनी अदर एक्ट. कोई जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ट्रीट्स इट एज सूट. अगर आप टेक्निकलिटीज अप्लाई करेंगे हंसराज केस की तो वो सूट की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट इटसेल्फ ट्रीट दिस सिविल प्रोसीडिंग एज सूट. सो सूट कैन बी कैटेगराइज इन टू टू कैटेगरीज. नंबर वन दो सिविल प्रोसीडिंग्स विच आर इंस्टीट्यूटेड थ्रू प्लेंट, और सम सिविल प्रोसीडिंग विच इज ट्रीटेड बाय सम एक्ट एज सूट. बोलो हाँ है ना, समझ में आता है आपको? कर लेंगे, प्लीज लेट मी नो एवरीवन. सो बेसिकली ए प्रोसीडिंग विच डज नॉट कमेंस विद ए प्लेंट, प्लेंट से कमेंस नहीं हो रही है, और विच इज नॉट ट्रीटेड एज सूट दैट कैन नॉट बी सेट टू बी ए सूट, उसको सूट नहीं माना जाएगा, और उसमें जो डिसीजन होगा दैट विल नॉट बी ए डिक्री अंडर सेक्शन 2(2). तो उसका रिवर्स हो गया ये.
लाइन क्या थी? कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट्स ऑफ द पार्टीज, है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कन, ये सूट, सूट में डिटरमिनेशन होता है, लेकिन सूट में किसकी डिटरमिनेशन होता है? राइट्स ऑफ द पार्टीज। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट क्वेश्चन कम्स, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स, एंड दिस इज अगेन यू रीड इट, इट मस्ट हैव डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, एंड दैट राइट मीन्स व्हाट? सब्सटेंटिव राइट्स, नॉट मेरिली प्रोसीजरल राइट्स। सब्सटेंटिव राइट्स का डिटरमिनेशन होना चाहिए, नॉट दी प्रोसीजरल राइट्स। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, कि जो कंक्लूसिवली आपने पढ़ लिया, कंक्लूज इट डिटरमाइंस कंक्लूसिवली द राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट, बट व्हाट काइंड ऑफ राइट्स? कौन से राइट्स? सब्सटेंटिव राइट्स, नॉट दी प्रोसीजरल राइट्स। अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा, कंक्लूसिव डिटरमिनेशन राइट्स, कौन से राइट्स? आपके सब्सटेंटिव राइट्स। ठीक है, जैसे वही एग्जाम्पल सेम, ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ ए सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस, ये हमने पढ़ा था पीछे अभी, दिस वाज नॉट ए डिग्री। हाँ, इफ देखिए मैं समझाता हूँ, अभी मैं ही समझा रहा हूँ, समझिए कि अगर कोई कोर्ट का डिसीजन प्रोसीजरल राइट को भी बात करता है, जैसे डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट, यहां पर आपका कौन सा राइट लिया गया? टू कॉन्टिन्यू द केस, योर सूट इज डिसमिस्ड। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट में समझा चुका, योर सूट वॉज डिसमिस्ड बिकॉज यू डिड नॉट अपियर। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी में राइट राइट कौन सा डिटर्मिनेशन थे कि खुशबू का डिफेमेशन हुआ था या नहीं हुआ था, दैट वॉज अ सिविल राइट। गेटिंग माई नोट? अब ये डिसीजन किस पर आ गया? वेदर शी हैज राइट टू कॉन्टिन्यू द केस और नॉट। तो डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट फॉर डिफॉल्ट जो हुआ, यहां पर भी डिटर्मिनेशन हुआ किस, लेकिन ये प्रोसीजरल राइट हुआ इसका, दैट इज टेकन अवे। तो व्हेन ए डिक्री इज पास्ड, डिक्री इज ओ कंक्लूसिवली डिटरमाइंस योर सब्सटेंटिव राइट्स, यू आर गोइंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ योर स्टेटस, कि आई शुड बी डिक्लेयर्ड सो एंड सो, ओनर ऑफ दिस दिस, मैरिड अनमैरिड डिवोर्स्ड, यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ, यू नो, सबस्टेंट, यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, सिविल राइट। तो सब्सटेंटिव राइट ये हुआ आपका प्रोसीजरल राइट, जैसे ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू लीव एज फॉर्म ऑफ ऑपरेस है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया फॉर्म ऑफ ऑपरेस, यानी कि यू वॉन्ट परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, दैट वॉज डिक्लाइंड। तो योर एनी राइट हैज नॉट बीन टेकन, सब्सटेंटिव राइट हैज नॉट बीन टेकन। खुशबू का सब्सटेंटिव राइट कौन सा था? वेदर शी हैज राइट टू टेक पजेशन ऑफ रेडफोर्ट और नॉट, दैट वॉज सब्सटेंटिव राइट इन्वॉल्व। बट शी सॉट परमिशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन, इन दैट केस दैट वॉज डिनाइड। तो दैट वॉज द डिसीजन ऑन प्रोसीजरल राइट, वेन वेदर शी कैन बी अलाउड टू प्रोसीड विद दैट और नॉट, दैट इज नॉट द डिसीजन ऑन सब्सटेंटिव राइट एज। प्लीज लेट मी, ये बात समझ में आपको आई नहीं आई? बेसिक फंडा ये है, अगर आपके चेहरे आपके बता रहे हैं कुछ को समझ में आया कुछ को नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, इसको समझिए, फिर फॉर्मूला बना लीजिए इस तरीके से। देखिए ये लाइन है, एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो अंतिम रूप से निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? राइट्स ऑफ द पार्टीज, जो पक्षकार हैं पार्टी उसके केस के, उनके अधिकारों को निर्धारित करता है। कौन से अधिकार? अधिकार हैं सब्सटेंटिव राइट्स आपके, नोट दी सब्सटेंटिव राइट्स। सब्सटेंटिव राइट्स को डिसाइड करेगा, तो कहेंगे हम ये डिक्री है। अगर केवल मियर
प्रोसीजरल राइट को डिटरमाइन करेगा, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हुआ, फॉर्म ऑफ ऑपरेस हुआ, एडजमेंट दिया नहीं दिया, है ना, इन सबको डिसाइड करेंगे। तो क्या डिसाइड कर रहा है वो कोर्ट का डिसीजन, प्रोसीजर को डिसाइड कर रहा है। तो मैरिज लीगल में अगर तो मैं इसको हटा देता हूँ अगर यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो रहा है तो, सही है, केवल अगर आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, सही है, मेरे सिद्धांत को तो मानेगा नहीं है, कटवा के इसको हाँ ठीक। तो सब्सटेंटिव राइट फोकस कीजिए, डिक्री डिटरमाइंस व्हाट सब्सटेंटिव राइट्स, नोट द प्रोसीजर राइट, गॉट इट, सिंप्लीफाइड कर दिया। अब तो समझ में नहीं आया सुदेश, आप पार्टीज, अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या था इसमें, राइट्स किसके कितना फाइन लॉ की यही ब्यूटी है। देखो अभी हमने राइट्स को डिसाइड, राइट्स का मीनिंग समझा था सब्सटेंटिव राइट, अब हम उदित क्या समझेंगे, राइट्स ऑफ होम, राइट्स ऑफ द पार्टीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टीज हेयर, पार्टीज मीन्स पार्टीज टू द सूट, और पार्टीज सूट का मतलब क्या हुआ, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ये बात यही बात समझ में आएगी। और एक टर्म है स्ट्रेंजर टू द सूट, इफ मीन्स इफ देयर इज एन ऑर्डर ऑन द एप्लीकेशन बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कौन सी, हुज स्ट्रेंजर टू द सूट, दैट इज नॉट ए डिक्री, इसको समझ लीजिए। तो अभी तक जितनी बातें, नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिए कि राइट्स ऑफ होम, किसके राइट्स डिसाइड हो रहे हैं, पार्टी टू द सूट, इफ समवन हु इज स्ट्रेंजर टू द सूट, स्ट्रेंजर मतलब है ऐसा नहीं अजनबी आप जानते नहीं पर्सनली, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए देयर इज अ केस बिटवीन सिद्धांत एंड तरुण, दीज आर द पार्टी टू द सूट, सही है, एंड प्रियंका फाइल्स एन एप्लीकेशन इन दैट केस, got it? So, अब तरुण कह रहे हैं हाउ कैन यू दिस, यू आर स्ट्रेंजर, प्रियंका कहेगी एक साल से तेरे साथ पढ़ रही हूं मैं, एम आई स्ट्रेंजर, देखा नहीं तुमने पढ़ते जाते जाते मुझे, भूत हूं मैं, दिखती दिखी नहीं तुम्हें मैं, है ना। तो इनको समझाया जाएगा कि देखो एक नोन टू इच अदर, बींग फ्रेंड, बींग नोन, बींग क्लासमेट इज डिफरेंट थिंग, स्ट्रेंजर टू द सूट का मतलब है कि यू आर नॉट ए पार्टी टू दैट सूट, इन दैट केस यू आर ए स्ट्रेंजर। सो इफ एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय समवन हु इज नॉट ए पार्टी एंड द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द कोर्ट, दैट ऑर्डर विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ डिक्री बिकॉज दिस वॉज पास ऑन द एप्लीकेशन ऑफ समवन स्ट्रेंजर टू दैट, यू गॉट इट, समझे। इसीलिए एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका इंटरप्रिटर सूट, इंटरप्रिटर सूट, कौन सा सूट राज, इंटरप्रिटर सूट, इंटरप्रिटर सूट का मीनिंग कितने लोग जानते हैं, प्लीज रेज हैंड, कम ऑन, ऑनलाइन भी, एक दो, इंटरप्रिटर, वेरी गुड, तीन, बहुत बढ़िया, बस गुंजन इंटरप्रिटर सूट, और अच्छा वैसे बता दो, देखिए मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, चलिए चलिए, बाकी लोग समझ गए, सर भी कह रही क्या हुआ मुझे समझाओ तो ठीक है मैं समझाता हूँ आपको, ठीक, इंटरप्रेटर सूट समझिए, ये कुछ ऐसे समझिए, एक है मिस्टर बैंकर, उनका नाम है उदित, मिस्टर उदित, उदित के ये बैंकर भी हैं, फाइनेंसर भी हैं, एंड ही डील्स इन सो मैनी थिंग, प्लीज ध्यान दीजिए इधर इसमें, है ना, और इनके पास ये जो हैं अडानी साहब, अडानी साहब के मैटर्स को डील करते हैं,
तो ही इज यू नो अटॉर्नी ऑफ सो मैनी थिंग्स. उनके पूरे बैंक बैलेंस को मिस्टर अडानी के ये डील करते हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनकी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और दुनिया भर की जो उनकी कंपनी है, उन सब के असेट मैनेजमेंट मिस्टर उदित करते हैं. सही है. अब उनका इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि जिनको हार्ट अटैक आ गया बेचारों को, भगवान ना करे, और वो अपना अंतिम यात्रा पर निकल गए. अब अडानी की प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट हो गया. अडानी के बच्चे कह रहे हैं दिस बिलोंग्स टू मी, एक बेटा कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरा कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, और दुनिया भरे के उनके क्लेमेंट्स आ गए कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए. अब उदित कह रहा है मैं किसको प्रॉपर्टी दूँ. ऐसे मान लीजिए उदित को छोड़कर सारे की सारी क्लास अपना अपना उसमें पार्ट चाहिए उसको, मेरे इतने करोड़, मेरे 1000 करोड़, मेरे 2000 करोड़, मेरे 500 करोड़, मुझे दो. अब उदित क्या करे इसमें, है ना. उदित हैज नो इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज वो तो केवल उनका एक अटॉर्नी था, वो तो उनका केवल एक केयर टेकर था, बट देर आर सो मैनी क्लेमेंट्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी. यू गॉट इट. अब डेली सुबह शाम से घर पर आ जाते हैं. हाँ साहब, उदित जी क्या सोचा आपने कि भाई मैं कैसे करूँ, नहीं देना पड़ेगा, आप तो जानते ही हो. तो वॉट इज द वे आउट ऑफ दिस, ही शुड फाइल एन इंटरप्लीडर सूट. इंटरप्लीडर सूट कौन फाइल करेगा, उदित फाइल करेगा, उदित वर्सेस, और जितने भी क्लेमेंट होंगे उन सबको ये बनाएगा डिफेंडेंट नंबर वन, डिफेंडेंट नंबर टू, सब आ जाओ अब, है ना. प्रियंका, खुशबू, सुनीता, यतेंद्र, सबको इन्हें पार्टी बना दिया, और कोर्ट में कह गई मेरी जान छुड़ाओ, ये रहे सारे क्लेमेंट, इनको आप प्लेंटिव डिफेंडेंट बनाइए, इनके बीच में जो भी जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मेरा पीछे छूटेगा इससे. तो व्हेन ए पर्सन फाइल्स ए सूट दैट द प्रॉपर्टी बी हैंडेड ओवर टू द राइट क्लेमेंट्स एंड दैट पर्सन इटसेल्फ हैज नो इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, दैट काइंड ऑफ सूट इज कॉल्ड इंटरप्लीडर सूट. प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आनी, रेज हैंड योर हैंड प्लीज, नहीं तो दोबारा समझाना पड़ेगा फिर. पक्का नैलो को समझ में नहीं आया पक्का, चाहिए चाहिए फिर सही है. अब इसमें क्या होगा, जो रियल पार्टीज हैं वो कौन से होंगे, जो डिफेंडेंट होंगे, है ना. तो इसीलिए टर्म यूज की गई, देखो, कंटेस्टिंग डिफेंडेंट्स, कंटेस्टिंग डिफेंडेंट्स. तो दो दे आर कंटेस्ट डिफेंडेंट्स बिकॉज द सूट नेचर सूट इज वॉट इंटरप्रिटर, दे विल बी डीम्ड टू बी दी पार्टीज ऑफ द सूट, ये पार्टीज मानी जाएंगी, ना कि वो व्यक्ति जो कि इसका जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया था उसमें. यू गॉट इट और नॉट. तो हु अप्रोच द कोर्ट, मिस्टर उदित अप्रोच द कोर्ट, ही इंस्टीट्यूटेड द सूट एज इंटरप्रिटर सूट, बट इन दिस केस द पार्टीज वुड बी वॉट, कंटेस्टिंग डिफेंडेंट्स. तो ऑर्डर इशूड बिटवीन द कंटेस्टिंग डिफेंडेंट्स मे अमाउंट टू डिक्री, बट नोट क्वा उदित हु इंस्टीट्यूटेड द सूट, बिकॉज ही शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्टी टू द डिस्प्यूट इन दिस केस. गॉट इट. अरे तुम मर गए. वही वही पार्टीज मानी जाएंगे जो जो उनका अपना क्लेम कर रहे हैं ना. मैं रिपीट करता हूँ कि जो जितने भी अडानी के जो भाई बंधु हैं, जो अपना अपना उसमें क्लेमेंट से, वो सब पार्टीज माने जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ध्यान दो भाई, उधर बोलिए मत आपस में, क्योंकि वो आपस में राइवल्स हैं, आपस में उनके जो क्रॉस क्लेम्स हैं, तो वो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट्स कहलाए. तो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट्स विल बी द पार्टीज इन दिस केस. ठीक है, ये आएंगे और इनका रोल वैसा ही है जैसे रामायण में भरत का था. उन्होंने अपनी खड़ा उन्होंने सिंहासन मिला था, उन्होंने सिंहासन दे दिया, खड़ाऊँ दे दी कि कोर्ट को कि आप संभालो, इन्हें बांटो, मैं चला, मेरा इतना खर्चा हुआ है, बस वो खर्चा मेरे दिलवा देना बस इनसे. ठीक है, बस इनका रोल इतना ही है. तो ये इंटरप्रेटर सूट जो इंस्टीट्यूट करते हैं, जो प्लेंटिव थे, वो चले जाएंगे, हट जाएंगे, उनका रोल खत्म हो जाएगा.
और जो डिफेंडेंट्स हैं उनमें से कुछ को बना देंगे प्लेंटिव और कुछ को बना देंगे डिफेंडेंट, और सूट फिर उस तरीके से आगे चलेगा। बोलो, गॉट इट? और कोई क्वेरी कर लेंगे आप लोग? मेरे ख्याल से क्वेरी समझ में आ गई होगी सबको इनकी। इनकी क्वेरी इन जनरल ये थी कि जिस जो उदित है, जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया, उसका क्या होगा? उसका रोल सिर्फ इतना है, वो कोर्ट को ये समझाएगा कि ये प्रॉपर्टी है और ये डिफेंडेंट्स हैं, ये आपस में इनके क्रॉस क्लेम्स हैं, मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई लेना देना है नहीं, मैंने तो केवल इस प्रॉपर्टी में जो मेरा मेरा अपना इसको टेक केयर करने में जो एक्सपेंसेस है मुझे उतने दिला दिए जाए, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो कोर्ट उसको रिलीव कर देगी, जो बाकी के डिफेंडेंट्स हैं, जो जो क्लेमेंट्स हैं, उनमें से कुछ को प्लेंटिव बना देंगे, कुछ को डिफेंडेंट बना देंगे, और केस विल प्रोसीड। और ये इंटरप्रेटर सूट का एक अलग से चैप्टर होगा, उसमें पढ़ेंगे आप लोग ये। अभी तो केवल क्या, क्योंकि टर्म आ गई यहाँ पर, इसलिए समझाना जरूरी था कि पार्टीज ऑफ द सूट का क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो पार्ट किसके राइट डिसाइड करेंगे डिक्री में? पार्टीज ऑफ द सूट के डिसाइड। तो देखो एक ही डेफिनेशन है, टू क्लॉज टू, कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए था आपको। क्यों सुदेश? सच ए डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, दैट इज द डिटर्मिनेशन मस्ट बी फाइनल एंड कंक्लूसिव एज रिगार्ड्स द कोर्ट विच पासिस इट। ये फोर्थ असेंशियल एलिमेंट है इसका, कि सच ए डिटर्मिनेशन मस्ट बी फाइनल एंड कंक्लूसिव एज रिगार्ड्स द कोर्ट विच पासिस इट। जिस कोर्ट ने उसको पास किया है डिसीजन को, उसके लेवल पर ये फाइनल होना चाहिए, ये अंतिम होना चाहिए। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि हायर कोर्ट्स ने भी इसको पास नहीं किया है, लेकिन उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने लेवल पर इसको फाइनली डिसाइड कर दिया हो, यानी कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फाइनल एंड कंक्लूसिव। अब इसमें एक दो पॉइंट्स आएंगे, ध्यान रखना, भी समझाता हूँ। देखिए आपको क्या है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, बताओ भी कोई समझाएगा इंटरलोकेटरी ऑर्डर? इंटरलोकेटरी का मतलब है जो फाइनल ना हो, जो अनंतिम हो, जो इन बिटवीन कोर्ट को आगे प्रोसीड करने में ऑर्डर्स हेल्प करते हैं। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो एक लड़का है जितेंद्र, उसका विवाह प्रस्ताव आया, सही है, मैरिज प्रपोजल, ओके नौ। तो उसमें एक फाइनल डिसीजन होना है कि भाई इन दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, ये हुआ फाइनल डिसीजन। अभी क्या हुआ कि जी फोटो भेज दो, फोटो एक्सचेंज हो गए, फोटो पास हो गए, तो ये क्या हुआ? इंटरलोकेटरी डिसीजन, फाइनल नहीं हुआ अभी ये, लेकिन एक स्टेज आगे बढ़ गए। फिर तुम्हारी कुंडली मंगाई गई, राहु केतु का मिलान किया गया, वो भी मिल गई, तो सेकेंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर आ गया। फिर दहेज की बात हुई, इतना लूंगा, उतना नहीं लूंगा, ये वाली कार लूंगा, वो नहीं लूंगा, ये सारे डिसीजन हुए, फिर एक इंटरलोकेटरी पास हो गया। यू गॉट इट? लास्ट में फाइनली कंक्लूड ये हुआ, लड़की ने कहा कि हमें ना चाहिए भाई ऐसा लड़का। तो ये क्या हुआ? फाइनली डिक्री आ गई है अभी, ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो गया। यू गॉट इट? तो वो जो डिसीजन है पहले वाले, वो क्या हुए? इंटरलोकेटरी। यू गॉट इट? इंटरलोकेटरी, भावनाएं समझ गए? ठीक। सो इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज नॉट ए डिक्री, जैसे एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग एन एडजमेंट, सही है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर का मतलब होता है कि विच डज नॉट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज, फाइनली डिसाइड नहीं करते हैं, आपके अधिकारों का फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है उससे, दैट इज कॉल्ड इंटरलोकेटरी ऑर्डर। उसमें एक ऐसा, एक इन द इन बिटवीन ऐसा हो, यू आर सीकिंग एडजमेंट बट यू आर नॉट गिवन एडजमेंट, तो वो आपका एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर तो होगा। ये आपको फाइनली आपके ऑर्डर को डिसीजन पर नहीं आ रहा है, आपके राइट्स पर फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखना इंटरलोकेटरी ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू डिक्री। सो डिक्री की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, इसका मतलब ये हुआ था कि विच डज इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स विच डज नॉट डिसाइड राइट्स फाइनली, वो डिक्री की कैटेगरी में इस वजह से नहीं आ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल था हमारा रिफ्यूजिंग एन एडजमेंट, इस तरीके से। तो इसके इंटरप्रिटेशन हमने ऐसे की, ठीक। और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ऑर्डर्स।
ये लाइन बहुत सुंदर है, देखिए। ऑन द अदर हैंड ए ऑर्डर मे डिटरमाइन कंक्लूसिवली द राइट्स ऑफ द पार्टीज। एक ऑर्डर ऐसा हो सकता है जो आपके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता हो। दो इट मे नॉट डिस्पोज ऑफ द सूट। देखो दो फ्रेज हैं, डिस्पोज ऑफ द सूट और डिटरमाइन कंक्लूसिवली राइट्स ऑफ द पार्टीज। इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए अच्छे तरीके से, और नहीं तो प्रियंका आपको भी समझाएगी। समझे? डिटरमाइंस कंक्लूसिवली द राइट्स ऑफ द पार्टीज और डिस्पोज ऑफ द सूट, दोनों चीजें अलग अलग हैं। कि ऐसा नहीं कि कंक्लूसिवली राइट्स डिटरमाइन हो गए तो सूट का डिस्पोजल होगा ही होगा। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुनीता मैडम ने नैलो का पीजी ऑन लिया, एक लीज पर लिया। नैलो इज द ओनर एंड सुनीता मैडम इज द टीनेंट। नाउ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन देम रिगार्डिंग द पजेशन। नैलो इज क्लेमिंग, नैलो फाइल्ड अ प्लेंट सीकिंग पजेशन ऑफ द लैंड एंड द मीन प्रॉफिट एज वेल। गॉट इट? तो इन्होंने एक सूट फाइल किया कि मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा मुझे वापस दिलाया जाए, और इन पर जो मेरे रेंट के एरियर्स है वो दिलाए जाएं, और अभी तक जो और मेरे प्रॉफिट्स हो सकते थे मीन प्रॉफिट वो भी मुझको दिलाए जाएं। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, यस मिस्टर नैलो इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही शुड बी गिवन द पजेशन, बट देयर शुड बी एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द मीन प्रॉफिट्स। अभी तो फिर केस चलेगा, लेकिन कंक्लूसिवली ये डिटरमाइन हो गया कि हु इज द ओनर। सो देयर इज ए प्रिलिमिनरी डिक्री इन दिस केस इन फेवर ऑफ नैलो। कंक्लूसिवली डिटरमाइन एक राइट हो गया कि ही इज द ओनर, बट केस विल कंटिन्यू टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट्स फॉर अदर थिंग्स। यू गॉट इट? तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये ध्यान रखना। कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये कंफ्यूज मत होना कि इन एवरी केस डिक्री डिस्पोजेस ऑफ द सूट। नो, देयर मे बी केसेस व्हेन द डिक्री इज डिटरमाइनिंग फाइनली कंक्लूसिवली योर राइट्स बट नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द सूट। यू गॉट इट और नॉट? इस लाइन को समझिए भी। एन ऑर्डर मे डिटरमाइन कंक्लूसिव द राइट ऑफ द पार्टीज ऑल्दो इट मे नो डिस्पोज ऑफ द सूट। कि राइट्स का डिटरमिनेशन हो सकता है फाइनली, लेकिन सूट का डिस्पोजल नहीं हुआ। सही है, ये कुछ ऐसा समझिए। सुदेश और सुदेश की बहन भाई में कुछ झगड़ा हो गया। यू गॉट इट? और झगड़ा क्या है कि सुदेश मैडम की कुछ जो पर्सनल चीजें हैं, कुछ इनके जो ज्वेलरी आइटम्स हैं वो चोरी हो गई हैं, कुछ बुक्स चोरी हो गई हैं, कुछ इनका कैश चोरी हो गया, और उनका एलिगेशन यही है कि इनके भाइयों में से ही, भाई बहनों में से किसी ने चुराया। तो ये कंट्रोवर्सी है। हालांकि इट्स ए क्रिमिनल मैटर, लेकिन मैं इसको सिविल मैटर तरह, हमें समझना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स नो डिस्पोजल ऑफ द सूट कैसे होगा। अब इसमें क्या हुआ कि जब मम्मी पापा ने इंक्वायरी की घर पर, तो ये पता चला कि जो सबसे बड़ा भाई है उसने कैश लिया है। यू गॉट इट? तो एक पॉइंट डिसाइड हो गया, लेकिन सुदेश ने, जैसे पापा ने कहा कि भाई चलो मैटर खत्म हुआ, कह रहे नहीं खत्म कैसे हो गया, एक ही मैटर कंक्लूसिवली डिसाइड किया हुआ है कि मेरा कैश किसके पास था, मेरी ज्वेलरी किसके पास है तो डिसाइड ही नहीं हुई भी, मेरे और अदर आइटम्स किसके पास है तो डिसाइड नहीं हुआ। तो मैटर इज नॉट डिस्पोज ऑफ बट कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ सम राइट्स हो गया। यू गॉट इट और नॉट? ऑन द पॉइंट द राइट्स आर कंक्लूसिवली डिटर्मिंड, फॉर दैट पॉइंट ए डिक्री हैज बीन पास्ड। गॉट इट? देयर मे बी सिचुएशंस, जैसे मैंने इससे पहले एग्जाम्पल दिया था कि एक सूट में एक व्यक्ति ने क्या क्लेम किया कि आई बी डिक्लेयर्ड द ओनर, पजेशन दिलाया जाए, और इसने जो अभी तक रॉन्गफुल पजेशन था, कब्जा कर रखा था गलत तरीके से, जो मेरे इस पे मैं उससे अपने प्रॉफिट्स कमाता वो प्रॉफिट्स दिलाए जाए मुझसे। तो कोर्ट ने कहा एक चीज डिसाइड कर दी, ठीक है तुम ओनर हो,
ओनली वन पॉइंट इज डिसाइडेड, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स क्वा द ओनरशिप, तो उतना तो डिटरमाइन हो गया, डिक्री हो गई, बट सूट विल कॉन्टिन्यू, क्योंकि सूट में भी ये डिसाइड होना है कि इनका जो मीन प्रॉफिट है, इनके जो जो रॉन्गफुल पोजेशन से प्रॉफिट्स इनको नहीं मिल पाए वो कौन देगा, उसके लिए भी केस चलेगा अभी। तो देयर मे बी सिचुएशंस व्हेन द सूट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, स्टिल फाइनली राइट्स आर डिटरमाइंड, गॉट इट। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि डिग्री के केस में आपका फोकस डिस्पोजल ऑफ द सूट पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस कंक्लूसिव और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स पर होना चाहिए। सो डिग्री कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, देयर मे बी फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस और देयर मे नॉट बी। व्हेन द फाइनली केस इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिग्री, जो हम पढ़ेंगे अभी। But there may be the cases of preliminary decree when the case is not finally disposed, but certain rights has been finally decided by that court, that is called the preliminary decree. हम लोग preliminary decree, final decree भी पढ़ेंगे भी आगे को। तो अब समझ में आया इसको? This is fifth essential element. Please see this. There must be a formal expression of such adjudication. Come on, इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। अब ये फाइव एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, हिम्मत बांध के रखिए, बस दर्शन होने ही वाले हैं, माता का जो है भवन आने वाला है, ऐसे ही होता है ना लास्ट में। बस देखिए, फाइव इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वी आर ऑन द फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट, फिर इसको क्लास को कंक्लूड करते हैं, बीच में छोड़ना सही नहीं रहेगा इसको। इस तरीके से हमने पढ़ा था लाइन, देखिए ये जो डेफिनेशन थी ये थी फॉर्मल एक्सप्रेशन, बाकी सब हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन को समझना है हम लोगों ने। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एन एडजुडिकेशन क्या मतलब है इसका? देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन, जैसे तुम्हारी शादी की बात तय हो गई, समझे, तुमने फूफा जी को फोन भी लगा दिया, फूफा जी आपको जरूर आना है, बारात का चलने का टाइम आ गया, लेकिन फूफा जी नहीं आए, जीजा जी भी नहीं आए, क्यों नहीं आए? वो कह रहे कार्ड नहीं मिला। तुम कह रहे फोन तो किया था, मैसेज भी किया था, व्हाट्सएप, कह रहे ना वो इनविटेशन नहीं है, यू डिड नॉट फॉर्मली इनवाइटेड अस, यू गॉट इट, फॉर्मेलिटीज, फॉर्मल, एक सेट पैटर्न। ऐसे ही डिग्री में के केस में है, देर इज ए सेट पैटर्न, फॉर्मेट दिया गया है आपकी सीपीसी में, यू गॉट इट। सो दैट एक्सप्रेशन, जो डिसीजन है, दैट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट एज वेल, इस दैट इज व्हाई दे हैव यूज द वर्ड फॉर फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन किसका? ऑफ एन एडजुडिकेशन, कोर्ट के डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन, यू गॉट इट और नॉट? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल, गॉट इट और नॉट? तो दिस शुड बी फॉर्मल एक्सप्रेशन, बस ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। अब नहीं होगा तब क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। देखिए, सो ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि फॉर्मेट, मस्ट बी कंप्लाइड विद एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ, एंड इन दैट केस इफ द डिक्री इज नॉट फॉर्मली ड्रॉन अप, समझे, इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट, नो अपील लाइज फ्रॉम दैट जजमेंट। आपको फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट दैट। इतना याद करना है आप लोगों ने, इसके बाद में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है पीपल फिल्म्स, इफ देयर इज ए मिस डिस्क्रिप्शन क्या ऑफ ए डिसीजन एज एन ऑर्डर विच अमाउंट्स टू डिग्री। एक्चुअली में जो डिसीजन है कोर्ट का, दैट अमाउंट्स टू डिक्री, बट दैट वॉज मिस डिस्क्रिप्टेड एज एन ऑर्डर। एक्चुअली क्या स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं कि ऑर्डर, डिसीजन, ये सब एक जैसा ही है, लेकिन हम लोग टेक्निकल अगर मीनिंग समझेंगे तब आपको समझ में आएगी बात। डिसीजन इज ए जेनरिक वर्ड, कॉमन वर्ड, कोर्ट ने क्या दिया, निर्णय दिया, निर्णय की कैटेगरीज हो गई आदेश और डिक्री।
तो अगर कोर्ट ने क्या पास की, डिक्री पास की, लेकिन उसको मिसडिस्क्रिप्शन कैसे हो गया, वो हो गया ऑर्डर, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? आंसर इज डज नॉट मेक इट लेस देन डिक्री, दैट विल रिमेन ए डिक्री। केवल अगर मिस डिस्क्रिप्शन हो जाए उसकी वजह से उसको डिक्री का स्टेटस उससे नहीं लिया जाएगा, दैट विल बी डिक्री। और डिक्री होने का फायदा क्या होता है? राइट टू फाइल अपील। बस वेरी गुड। और अगर आपको पता करना हो कि वेदर इट इज ए डिक्री और नॉट, देन वेदर और नॉट एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज डिक्री, देन द जो वे है, कोर्ट शुड टेक इन टू अकाउंट प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज एंड द प्रोसीडिंग्स अप टू द पासिंग ऑफ एन ऑर्डर। अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अगर कोर्ट में यही अपीलेट कोर्ट में यही डिस्प्यूट हो जाएगी वेदर इट इज डिक्री और ऑर्डर, एक अपोजिट पार्टी का सर डिक्री ही नहीं है, हाउ इट इज मेंटेनेबल, देन वॉट इज द टेस्ट द कोर्ट शुड फॉलो, एंड कोर्ट शुड सी द प्लीडिंग्स वॉट वॉज आस्ड इन द लोअर कोर्ट, प्लीडिंग्स क्या थी एंड एट वॉट स्टेज दिस डिसीजन हैज बिन टेकन, उससे दे विल कम टू नो कि वेदर इट इज डिक्री और ऑर्डर, ऑल दो इट इज मिस डिस्क्रिप्टेड समवेयर। कहीं कंफ्यूजन हो जाए अगर कोर्ट को डिटरमाइन करना हो, तो दे विल गो टू द प्लीडिंग्स, दे विल कम टू द स्टेज ऑफ ऑर्डर की कौन सी स्टेज पर ये पास हुआ है, उससे वो डिसाइड करेंगे नो नो दिस इज ऑर्डर और दिस इज डिक्री। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सो देर आर फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनको देख लीजिए आप। एडजुडिकेशन ऑफ सिविल कोर्ट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्डर एंड डिक्री। इन ऑर्डर दैट ए डिसीजन ऑफ ए कोर्ट मे बी ए डिक्री, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट? देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन, मस्ट हैव बीन मेड इन सूट, मस्ट हैव डिटरमिंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज, कंक्लूसिव नेचर, फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो इनके असेंशियल एलिमेंट से इस तरीके से क्वेश्चन प्रीलिम्स से बनते हैं और इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे। 1 एंड 2, 1 2 3 करेक्ट हैं, इसमें 1 2 3 4 5 सभी करेक्ट हैं। तो अगर आपको सभी असेंशियल एलिमेंट्स आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे आप। व्हेन देर इज नो सूट देर इज नो डिक्री, इट इज ट्रू और फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज करेक्ट? डिक्री फॉलोज द जजमेंट और जजमेंट फॉलो द डिग्री। अब ये देखो कितने टेक्निकली आप फंस सकते हैं इसमें, अगर ढंग से सेक्शन 33 की लैंग्वेज को रटा नहीं है तो थोड़ा सा ही जंबलिंग करके प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटर है कि आप प्रॉपर तरीके से एक ही बार में याद कर लें उसको।